नमस्कार, द रिपब्लिक प्रेस के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि हायर जुडिशियरी सिस्टम के एक पार्ट है, उसके प्रति देशवासियों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। यह असंतोष खासकर उन तबकों में है जो समाज के शोषित वंचित समाज से आते हैं। इनका कहना है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। यह सवाल उठता है कि जिस इंस्टीट्यूशन का काम जजमेंट देना है, जिसका काम न्याय करना है, क्या वह अपने देशवासियों के साथ न्याय कर रही है? क्या वहां पर जो नेशनलिटी है, वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या वही है जो देश का एथनिक डायवर्सिटी है? हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है। देश के लगभग 150 से 200 परिवारों का हायर जुडिशरी में कब्जा है, भाई भतीजेवाद भी है, वहां अंकल जज भाई जज का कॉन्सेप्ट है। और यह संभव हुआ है पहले जातिवाद से और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा इंस्टीट्यूशनल जातिवाद से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काफी सक्रिय थी और देश में पहली बार एक राजनीतिक पार्टी ने हायर जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा उठाया और नई दिल्ली में पहली बार 2 साल पहले सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन करवाया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फोरम फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एक संगठन है जिसमें कि शोषित वंचित समाज के लॉयर्स हैं और वो एक पूरे देश में मुहिम चलाए हुए हैं कि हायर जुडिशरी में उनका रिप्रेजेंटेशन हो। इसी मुहिम के तहत आज नई दिल्ली के इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उसमें एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय था जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड क्रिएशन ऑफ AIJS। AIJS का मतलब है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। इसमें विषय रखे गए थे कि हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी बरता जाए। इसके तहत जो विभिन्न वक्ता थे उन लोगों ने अपनी बात रखी और वक्ताओं का ये कहना था कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट है उसमें पारदर्शिता लाना संभव नहीं है। बात सिर्फ जुडिशियल पारदर्शिता की नहीं है, बात कॉलेजियम सिस्टम की नहीं है, बल्कि बात उस डेमोक्रेसी की भी है जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उसका अपॉइंटमेंट सरकार करेगी और सरकार के निर्देश पे एक्चुअली राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं लेकिन जो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यहाँ एक सवाल और उठता है कि संविधान के में जो कॉलेजियम सिस्टम है, न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि सरकार के अधिकारों को एक तरह से छीन लिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और कह सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत। हम आपको बता दें कि 2 साल पहले भारत सरकार ने एक कानून बनाया था जिसके तहत जुडिशियल अपॉइंटमेंट रेगुलेट होना था। उसमें सरकार के तरफ से एक सदस्य, विपक्षी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें शामिल होने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार पावरफुल होते जा रहा है, पावरफुल नहीं बल्कि एक शब्द है जिसका मैं उपयोग करना चाहूंगा, तानाशाह होते जा रहा है। और उसके तानाशाही का नतीजा है कि संविधान की जो संस्था है, संसद, जो कि सर्वोच्च अदालत भी है, सर्वोच्च कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, उसके द्वारा पारित कानून को उसने खारिज कर दिया। जो आज जो सेमिनार हुआ फोरम फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल रिफॉर्म जो है उसके तहत, उसमें बात बार बार कही गई। सारे स्पीकर्स ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, साथ ही साथ सरकार को एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए जिसके तहत सरकार जजों की अपॉइंटमेंट करे और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट में इस बात का ख्याल रखे। लगभग सारे वक्ताओं का कहना था कि सरकार एक कानून लाए और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस की जो सोशल कंपोजिशन है वही रहे जो कि समाज में है, तभी समाज में न्याय हो पाएगा।